हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ एंड साथ ही साथ सिखाएंगे आपको कुछ इस तरह की एडिटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको इस तरह की एडिटिंग आज तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताई होगी, तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी एडिटिंग सीखनी है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमें सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है, अब हमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी एक पिक को सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें एडिट करना है। तो फ्रेंड्स हम इस वाली पिक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम टूल्स वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ से क्रॉप वाले आइकन पर जाके इसे क्रॉप कर लेते हैं। इतना हमने फ्रेंड्स ये क्रॉप कर लिया और यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से क्या करना है, फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से पिन इमेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इसकी कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से हम सैचुरेशन को कर देंगे हम इसकी फुल और एम्बिएंस को भी हम फुल कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमको कर देना है राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से एरो वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से टीन इमेज वाले ऑप्शन पर जाकर ब्रश वाले ऑप्शन को चूज करना है। अब फ्रेंड्स हमको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स हमारे फेस पर जो इफेक्ट आ चुका है इसे हम रिमूव करेंगे। आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस से ये रिमूव कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने अपने फेस से रिमूव कर लिया है। अब यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक और यहाँ से इस वाले एरो पर क्लिक करके बैक चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से क्या करना है, फेस से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाके सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से हमें अपने फेस पर ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है। कुछ इस तरह से हम अपने फेस पर लाइट देंगे। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसे। फ्रेंड्स इतना हो चुका है, अब यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स आपको फेस से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। अब फ्रेंड्स इसे हम ओपन कर लेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमको सिंपल से क्या करना है, यहाँ से इस वाले लेयर पर क्लिक करेंगे हम और यहाँ से एक लेयर बना लेंगे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके और यहाँ से इस लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉर्मल मोड को कर देंगे सॉफ्ट लाइट और यहाँ से हमें कर देना है कट। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से इस वाले कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ध्यान ना रहे तो। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम कट करने के बाद ब्रश पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम इस वाले ब्रश को चूज करेंगे मीडियम ब्रश को। इसकी सेटिंग को देखेंगे हम, इसकी ओपासिटी को हम 100 पर रखेंगे और साइज को अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस पर इसे ड्रॉ करना है। अगर फ्रेंड्स अगर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो साइज ब्रश का छोटा होगा, राइट की तरफ करेंगे तो बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से अपने फेस पर इसे ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से कर लेता हूँ इसे ड्रॉ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने पूरे फेस पर ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से क्या करना है, इस वाली लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से इस लेयर पर क्लिक करके इसे कर देंगे मर्ज ऑल। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से पेंसिल वाले आइकन पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है लाइब्रेरी में और यहाँ से आपको ये वाला ब्रश चूज करना है और यहाँ से इसकी सेटिंग में जाएंगे हम और यहाँ पर जो इरेजर लिखा हुआ है इसे कर देंगे हम इस मर्ज पर और यहाँ से इसकी फिलो को रखेंगे 5 पर और इस स्ट्रेंथ को रखेंगे 8 पर। अब फ्रेंड्स यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से अपने पिक को जूम करके आपको कुछ अपने फेस पे इस तरह से इसे ड्रॉ करना है पूरे फेस पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अगर स्किप किया तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स हमने अपने फेस को स्मूथ कर लिया काफ़ी अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसे हम ओपन करेंगे लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अब फ्रेंड्स हमको क्या करना है, यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन में जाना है
और यहाँ से इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसकी कंट्रास्ट को इंक्रीज करेंगे और यहाँ से इसकी हाईलाइट को कम करेंगे इतना। अब फ्रेंड्स इसकी शैडो को भी हम कम कर लेते हैं और यहाँ से ब्राइट को कम करेंगे और ब्लैक को हम बढ़ा देंगे। अब फ्रेंड्स आपको कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से इसकी टेम्प को इंक्रीज करना है और इसके इन टिंट को भी इंक्रीज करना है। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से इसकी वाइब्रेंस को हम फुल कर देंगे इतना और यहाँ से हम मिक्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से इसकी ह्यू को डिक्रीज करेंगे, सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। अब इस वाले ऑप्शन पर आके इसकी भी ह्यू को डिक्रीज करेंगे, सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स अब येलो वाले ऑप्शन पर आके इसकी सेचुरेशन को हम डिक्रीज करेंगे और यहाँ से रेड वाले ऑप्शन पर आके इसकी हम लुमिनियस को इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स इतना होने के बाद यहाँ से कर देंगे हम डन। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से इसके टेक्सचर को हम इंक्रीज कर देंगे 20 तक और यहाँ से इसकी क्लियरिटी को भी हम 20 तक इंक्रीज करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको सिंपल से डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आके इसकी शार्पनिंग को 10% कर देंगे और यहाँ से इसकी डिटेल्स को 30% कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है इतना। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल से इसे हम कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन। तो फ्रेंड्स पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमको सिंपल से टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। अब फ्रेंड्स हमें इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे इतना और यहाँ से इसकी क्लियरिटी को भी इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको इसकी सेचुरेशन को हम बढ़ा देंगे और यहाँ से कर देंगे हम राइट क्लिक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फोटो हो चुका है रेडी। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।